देश की राजधानी दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत किसी कस्बे से भी ज्यादा बदतर है। अगर आप अपने घर से निकलकर अपने ऑफिस जाना चाहते हैं तो ये पक्का है कि आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे। अगर आप अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकले तो हो सकता है कि आप किसी खुली हुई नाली में गिर कर अपनी जान गंवा दें। या अगर आप अपना घर छोड़कर सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं तो हो सकता है जिस लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हैं उसमें पानी भर जाए और डूबकर आपकी मौत हो जाए। कुछ ऐसा ही हुआ 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ, जो एक बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे जहां अचानक बारिश होने के कारण पानी भरा और डूबने से इन तीनों बच्चों की मौत हो गई। ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ ऐसे हादसे अब आम हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि एक लड़के की शॉक लगने से मौत हो गई, और हमने पिछले साल भी देखा था कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब आग लगी तो बच्चों को ऊपर से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई फायर एग्जिट नहीं था। तो सवाल उठता है कि सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में ही सारी यूपीएससी कोचिंग क्यों है, जहां मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, बिजली और घर के लिए भी इन एस्पिरेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ता है। That too, after paying exorbitant rent, is old Rajinder Nagar the slum of UPSC coaching? तो इन बातों का समाधान क्या है? क्या इन कोचिंगों को नरेला जैसे दिल्ली के बाहरी इलाकों में शिफ्ट कर देना चाहिए जहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, या सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लासेस पर ज्यादा निर्भरता होना जरूरी है? आज हम ओल्ड राजेंद्र नगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच आए हैं ये जानने कि उनकी इन समस्याओं का सलूशन क्या है। नमस्कार, मैं सज्जन केदुनिया और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। आज हमारे 6 दिन पूरे हुए, 3 से 4 दिन पहले की बात है, यहाँ पे फिर से पानी भरा था। ठीक है, तो जब एक इंसिडेंट हो चुका है, हम अपने 3-7 के लोगों की जान गंवा चुके हैं, उसके बाद भी आपके यहाँ पानी भर रहा है, 3 लोगों की जान चली गई, तब भी आप में इतनी शर्म नहीं है कि आप यहाँ पे आके 25 लाख छुड़ाने की डिमांड कर रहे हो? ये जो पूरा कोचिंग हब है उसे नरेला की तरफ शिफ्ट करने के बारे में चल रहा है, हाँ, तो उस बारे में आप लोग? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चीज़ है। अब वो करते नहीं है, द रीजन इज कि वो यहाँ पे रहते नहीं है, वो पोर्च एरिया में रहते हैं, साउथ दिल्ली में रहते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे वी आर बिल्डिंग, वी आर लाइक वी आर नॉट इन द रूम्स, वी आर इन द रैट होल। उसका रेंट वगैरह? रेंट तो मोस्ट प्रोबेबली 15,000 से स्टार्ट हो रहा है सिंगल रूम का, तो आई एम पेइंग लाइक अराउंड 13,000। लेकिन प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है इसमें, क्योंकि जो ओनर्स होते हैं मेरे रूम के, नहीं जो भी बाकी लड़के हैं जिनके ओनर्स हैं, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है जैसे वाटर गिर रहा है ऊपर से, बारिश हो रही है, तो बाहर फ्लैट में पानी आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द थिंग दे वॉन्ट इज द रेंट, कि मेरे ओनर जो है वो महीने के 29 डेज मेरे को दिखते नहीं। मीन कि आप इन कॉलिंग फ्रॉम लास्ट 1 मंथ कि अंकल यहाँ पे ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग सकता है बच्चे को अगर जब पानी होगा। तो आपने देखा भी लास्ट टाइम जो पटेल नगर में नवीन के साथ हुआ था, क्योंकि अब डर लग रहा है ना, हम सबको डर लग रहा है कि बारिश आ गई है, आप किसी चीज़ को छुएंगे, पोल्स में पानी हो सकता है साइड पे, या वायरस गिर सकती है। तो अभी ये बारिश होती है तो हम बीच में जाते हैं, सो वी आर बीइंग फियर्ड अप कि हम किसी चीज़ को छू नहीं सकते क्योंकि लग सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी होगी, करंट लग सकता है। तो ये वो एक इंसिडेंट है, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे जो पूरा दिल्ली है ना, ये एक रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, अब कमर्शियल बन चुका है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ जो बिहेवियर होता है ना यहाँ पे, आई एम नॉट ऑनली फर्स्ट विक्टिम, इट इज़ काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ता है। अच्छा, जैसे यहाँ पर पानी वगैरह जो भरने का है, आप तो एक साल से जब देख रहे हैं, पिछले साल भी हम देखा कि दिल्ली में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश हुई तो पूरी दिल्ली में हर जगह ही पानी भर गया था। तो यहाँ पर पिछले एक साल में जब भी पानी गिरा है तो क्या हमेशा ही इस तरह का? हमेशा से हुआ है, क्योंकि MCD का एक उनका ही काम है वाटर लॉगिंग को, ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करना। लेकिन यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना बहुत वर्स्ट है, यहाँ पर कुछ पोर्ट होल्स है इन द मिडल ऑफ द रोड, इट इज क्रिएटिंग अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द हैवी ऑटोमोबाइल्स टू गो थ्रू। तो हम तो स्टूडेंट्स हैं, बारिश गिरती है तो वाटर लॉगिंग होती है। इवन के ओवर इन मिल्फ सीन द लास्ट 2 डेज व्हाट हैपेंड हियर, पूरा बेसमेंट में पानी गया, वो भी पूरे रोड का, वो पता भी नहीं चला स्टूडेंट्स की पानी कहाँ से आ गया, और वो मतलब अंदर ही रह गए, वो बाहर निकल ही नहीं पाए। सर ये नहीं कि उनकी डेथ हो गई वहाँ पर, लेकिन जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं ये उनको फेस करना है फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वो करते नहीं है, द रीजन इज कि वो यहाँ पर रहते नहीं है, वो पोर्च एरिया में रहते हैं, साउथ दिल्ली में रहते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे वी आर बिल्डिंग, वी आर लाइक वी आर नॉट इन द रूम्स, वी आर इन द रैट होल्स।
हम ये कह सकते हैं। और राइट अवे जब मैं आया हूँ यहाँ पे, और हाथ में मैंने ये देखा कि रेंट बढ़ रहा है, रूम्स वही है, रूम्स का हालत दिन ब दिन बेकार हो रही है लेकिन रेंट बढ़ रहा है। ब्रोकरेज तो अलग से है, ना ही आप तो सिक्योरिटी मनी रिफंड करते हैं टाइम पे, ना ही देंगे, ना तो यू नो हार्श वर्ड्स यूज करेंगे आपके साथ, मिसबिहेव करेंगे आपके साथ। लेकिन लगभग सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बेसमेंट पर किसी स्कूल की क्लासेस या लाइब्रेरी चल ही रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली चल रहे हैं, 95% लाइब्रेरी जो है वो बेसमेंट में ही है, तो कुछ परसेंट जो है वो फर्स्ट फ्लोर लाइब्रेरी है, सेकंड में लाइब्रेरी है। तो लेकिन अब क्या हुआ है, अब दे हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि बेसमेंट तो बंद हो रही है, अब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है, तो उन्होंने अब लाइब्रेरी का फीस बढ़ा दिया। जहाँ तक बेसमेंट की 2,300 रुपये फीस है, अब अगर आप देखेंगे बेस अब तो फर्स्ट फ्लोर की जो लाइब्रेरी है फीस है 5,000 और वैकेंसीज भी नहीं है, और स्टूडेंट जिनका एग्जाम आ रहा है, मेरा एग्जाम आ रहा है, तो हम कोई रूम पे नहीं पढ़ता या कोई ट्रिपल शेयरिंग में रह रहा है, उसके लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए। अब लाइब्रेरी है नहीं तो कहाँ जाएगा, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन है तो वह फर्स्ट फ्लोर, अब फर्स्ट फ्लोर में जाएगा, ही इज ऑलरेडी पेइंग 7,000-8,000 डिस्पाइट बीइंग इन द ट्रिपल शेयरिंग। अब उसको क्या चाहिए कि लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ मैं, अगर वो लाइब्रेरी जाता है तो लाइब्रेरी में 4,000 रुपया फीस है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन ये है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का जो पॉइंट्स है, पर पॉइंट क्या रेट है, वो गवर्नमेंट बताती है, वो बिल पे भी लिखा होता है, लेकिन ओनर लोग हमें बताते नहीं। वो हमें ये व्हाट्सएप कर दें कि आपका महीने का बिल इतना आया, बट हमें नहीं पता, आपके पास बिल नहीं आता, बिल नहीं आता। ये पता करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप यहीं पर रह रहे होंगे ओल्ड राजेंद्र नगर में, करोल बाग। तो लेकिन तो यहाँ पे जो बच्चों के रहने में जो समस्या है कि जिस तरह का रेंट उनसे लिया जाता है, और उसके बाद उनको जिस तरह की फैसिलिटीज़ का तो नामो निशान भी नहीं है, लेकिन तो एक बेसिक जो रहने की स्टैंडर्ड होता है वो भी कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बारे में आपने देखा होगा फर्स्ट हैंड, तो उसके बारे में क्या है? देखिए ये बात गलत है कि फैसिलिटी नहीं मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, उसके एवज में बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, सच्चाई है, और वो हम डिज़र्व नहीं करते हैं। एग्जॉर्बिटेंट रेंट्स हैं यहाँ पे, हम डिज़र्व नहीं करते हैं। हमें क्या रेंट है वैसे नॉर्मल? देखिए आमतौर पे एक परसेप्शन है कि ORN जो है एक एक्सपेंसिव एरिया है, ये एक परसेप्शन है, और इस परसेप्शन के कारण ORN में तो रेंट की बहुत प्रॉब्लम है, और क्योंकि यहाँ पे ORN में ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं, उसके कारण कमर्शियलिज्म के कारण इन्होंने क्या करा है ना, ये 3-3 BHK को भी कंपार्टमेंटलाइज करके ज़्यादा लोगों को उसमें भर रखा है, तो इट इज़ अनहाइजेनिक ऑल्सो, इट इज़ अनसेफ ऑल्सो फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव इफ यू सी राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम यहाँ डे टू डे बेसिस पे स्टूडेंट को बहुत है, मेंटल हरासमेंट प्लस फिजिकल चैलेंज, स्नैचिंग के भी इश्यूज हैं। मेंटल हरासमेंट में रेंटल ऑब्लिगेशन इज कम्प्लीटली ऑन द ओनर, एंड देयर इज अ नेक्सस ऑफ ओनर विद पुलिस एंड लोकल नेक्सस। मोटा मोटी बात ये कहने का है कि जो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, नॉट एनिमल लाइफ, लाइफ विद डिग्निटी वेयर वी आर ट्रीटेड इक्वली, एटलीस्ट तो वेलफेयर कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है यार, स्टूडेंट को तो कम से कम सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दो, 200 रुपये आप छोड़ नहीं सकते क्या स्टूडेंट के लिए? एटीट्यूड होना चाहिए, नियत होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं, हमारी मांग है, बहुत बेसिक मांग है, ऐसा नहीं है कि कुछ हम लैंड करा रहे हैं बाहर से, जो चीज़ें होनी चाहिए एज अ वेलफेयर अप्रोच, थोड़ा सा जो सिंपैथी होना चाहिए स्टूडेंट के प्रति, वही मांग रहे हैं। एग्जिस्टिंग सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक ठाक कर दीजिए, वायर वगैरह है वो सब अंडरग्राउंड कर दीजिए, और जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है उसको एक्सपैंड कर दीजिए, कुछ टाइम के लिए अगर ये रोड बंद भी रहता तो चले, लेकिन इसको विद फ्यूचर प्लान्स एंड प्रायोरिटीज इसको ठीक कर दीजिए। तो यही वाली रोड है जो थोड़े बहुत पानी में भी पूरी भर जाती है ना, बहुत जल्दी भर जाती ही रोड है ऐसी। नहीं ये यहाँ पे मेन इशू है, क्यों? क्योंकि ये कटोरी के जैसा स्पेस है, और होता क्या है कि यहाँ पे अभी जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, इसके नीचे 7 फीट का नाला है, मान के चलिए कि 7 फीट से ज़्यादा ही पानी इसमें फ्लो कर रही है, क्यों? उसके कारण क्या है? कंजेशन, एक्स्ट्रा पॉपुलेशन, कंजेशन, सीवेज, घर के भी सीवर्स जो हैं वो डायरेक्ट ड्रेनेज में कनेक्टेड हैं, तो वो भी एक कारण। तो मोटा मोटी ये चीज़ हो जा रहा है कि अब उसको 7 से 14 फीट करने का टाइम आ गया है, उसके लिए तो आपको आगे के भी एडजेसेंट एरियाज से लेकर के निकालना पड़ेगा ना, 12 खंबा वगैरह वगैरह, तो वो सब करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो प्लानिंग है वो इग्नोर क्यों किया गया है यहाँ पे? सच्चाई ये है कि हमसे पहले भी तो यहाँ पे लोग रह रहे थे ना, लेकिन उस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को,
बेसिक लाइवलीहुड को इग्नोर किया जा रहा है, आउट ऑफ कमर्शियलिज्म। अभी कुछ दिनों पहले, एक या दो दिन पहले एक ही खबर थी कि अब ये जो पूरा कोचिंग हब है उसे नरेला की तरफ शिफ्ट करने के बारे में चल रहा है। हाँ, तो उस बारे में आप लोगों का? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन जाने से पहले एक, अभी मुझे ये चीज़ पता है कि हम सबको ये चीज़ पता है कि 4-5 साल तो कहीं नहीं गए, इतना टाइम लेगा। लेकिन उससे पहले 1-2 साल में वो चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो यहाँ पे गलतियाँ हैं वो वहाँ एनालाइज कर ली जाए कि अगर बच्चे किस तरीके से पहुँचेंगे। क्योंकि सिर्फ ये जो ये थोड़े थोड़े जो है ना बिल्कुल फेमस कोचिंग जैसे नेक्स्ट आईएएस हो गई, वाजीराम हो गया, अगर इनके 2 से 3 सेंटर भी वहाँ पे चले गए तो भीड़ अपने आप खिंच जाएगी। क्यों? बच्चों को पता है कि हमको कोचिंग यहीं पे करनी है, ठीक है, लेकिन हमको रेंट सस्ता मिल रहा है तो बच्चे वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी रेंट भी यहाँ पे जैसे ज़्यादा है, सब कुछ है, एक बस जैसे हॉस्टल बनाए जाएँ और कुछ रेगुलेशंस लाए जाएँ कि इससे ज़्यादा रेंट नहीं लेना है, या बच्चों को देखा जाए कि एक कमरे में 2 बच्चे होने चाहिए, ये सब चीज़ें अगर हो गई तो वो बिल्कुल एक वेल सेटल लोकेशन हो जाएगी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। वरना फिर मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 15 साल मैक्स ये जो हाल है वो वहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अब हम अगर यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है अगर उस पर एक बार और आएँ, क्योंकि यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आगे चलकर वो लोग भी पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व रहेंगे, तो आप लोगों के हिसाब से यहाँ पर क्या आप लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकते, जो कि परमानेंट सोल्यूशन हो सकते हों, वे भी जो आपको लगता हो? ये भी चीज़ है कि जैसे अगर इफ इन फ्यूचर आई विल बी द पॉलिसी मेकर, तो मैं एक और चीज़ करूँगा कि जैसे यहाँ पे आप देखते जा रहे हो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई बच्चों की, तो ये जो चीज़ इस इंसिडेंट के बाद आई कि हम लोग को मतलब जितने भी कोचिंग्स हैं उनको कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। लेकिन चीज़ वही है कि कोई इंसिडेंट होगा नहीं तब तक आदमी होश में आएगा नहीं। अब जो चीज़ें हो रही हैं तो आगे जैसे अगर मैं बना या मैंने पॉलिसी मेकिंग के लिए कुछ अगर डिसीजन लेने हुए तो मैं ये चीज़ इंश्योर करूँगा कि एक रेशियो होता है कि आप देख रहे हो कि एक कोचिंग में इतने बच्चे हैं, इस एरिया को कितने बच्चे एकोमोडेट कर सकते हैं। अब एक एक कमरे में आप 4-4 बच्चे भी रह रहे हो, वो कमरा इतना बड़ा भी नहीं है, तो अगर वहाँ पर कोई हादसा हो जाता है तो आपको लगता है कि वो 4 बच्चे निकल पाएंगे एक ही गेट से? नहीं हो सकता। एक एक फ्लोर पे 3-3 कमरे, 3-3 कमरों में 4-4 बच्चे, तो 12 बच्चे अगर एक स्टेयर से उतरेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इस चीज़ का भी रेगुलेशन होना चाहिए, और अगर मैं हुआ तो मैं इस चीज़ को हर एक, जैसे होता है कि 6 मंथ में या 1 ईयर में ये चीज़ रेगुलेशन लाई जाएगी कि वापस से पूरा चेक किया जाए, और बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के कि आप एक कमरे में कितने रह रहे हो, इन चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते, बस ये। मतलब जवाबदेही को हम की जब हम बात करते हैं तो उसमें तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की भी बनती है, और मेरे हिसाब से तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी बनती हो, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी भी जो भी लोग अथॉरिटी में है उनकी बनती है। तो आप उस पर क्या कहेंगे कि किन लोगों के, आप लोगों के हिसाब से सबसे ज़्यादा इस पर जवाबदेही बनती है? अगर लार्जर पिक्चर देखें तो अभी आपने क्या कहा कि ये सब हो रहा है, बट उसमें पानी भरने वाली बात है। पानी सिर्फ राजेंद्र नगर में थोड़ी भर रहा है, हमारे तो पूरी दिल्ली में भर रहा है। अभी आपने सुना होगा एक मदर अपने बच्चे के साथ ले गई, राइट? तो मुद्दा ये है कि पानी अगर आ रहा है इतना ज़्यादा है, उसकी मैं आगे आ जाऊँ, उसकी तैयारी हम पहले से कर लें, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है। G20 होने वाला था, क्या खूबसूरत लग रही थी दिल्ली, है ना? तो क्या तैयारी पानी के पहले नहीं की जा सकती है? जब बाहर से आने वालों के का इतना आवभवत होता है, आप देश की राजधानी में रह रहे हैं, इतना तो बनता है कि साफ़ सुथरे रह ले, सैनिटेशन नॉर्मल, और ये इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है जो कि हमारा देश ना कर पाए, है ना? भले ही हमें US की इकोनॉमी के 25% होने के लिए भी 75 साल लगे, इज इट? इनफैक्ट अभी मैं एक और एस्पिरेंट से बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि वो एक काफ़ी अंडर प्रिविलेज जगह से आते हैं लेकिन उसके बाद भी उनके यहाँ ये समस्याएं नहीं है बेसिक कि पानी भर जाता है और इस तरह की समस्याएं। खैर, अगली बात जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये हर साल यहाँ पर भरता ही है पानी एनीवेज, ऐसे कोई तो है नहीं कि आज की बात है पूरे दिल्ली में भर, और स्पेशली ओल्ड राजेंद्र नगर और इन जगहों से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पॉलिसी मेकर्स, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं वो सब कहीं ना कहीं यहीं से पढ़कर निकले हैं, तो ऐसा क्यों कि वो यहाँ से निकलने के बाद वो इस जगह को भूल जाते हैं? वो उसको नॉस्टैल्जिक तरीके से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर याद तो बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ के लिए काम तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ।
वो तो उनका पे बैक थॉट प्रोसेस होना चाहिए आइडियली. हाँ मतलब ऐसा तो बहुत जगह है, हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ते हैं, हम क्या ही पे बैक करने जाते हैं. तो ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए शायद एथिक्स पढ़ाया जाता है. और उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर कोई नहीं करता, बहुत लोग पे बैक कर भी रहे हैं. तो यही उम्मीद रखिए कि आगे लोग करेंगे. मैं तो होप्स में बिलीव करती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि जब जब ऐसा कोई इंसिडेंस होता है, देखिए गुड बैड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज राइट. तो जब भी कुछ बुरा होता है उसे सीख लेना इज़ द बेस्ट थिंग. और इसके बाद भी अगर लोगों को लगता है कि यस दिस इज़ द टाइम टू पे बैक, व्हाट एल्स कैन बी बेटर देन दिस. और आपकी इसी बात में एक और चीज़ कहूँगा कि जैसे अभी आपने बोला कि लोग जो यहाँ से जाते हैं वो क्यों नहीं करते हैं, तो अभी आपने देखा कि 3 बच्चों की जान चली गई, पूरा इंडिया देख रहा है, वर्ल्ड में भी न्यूज़ चल रही है, जो मीडियाज़ हैं सारे इंग्लिश मीडियाज़ उनमें भी चल रहा है. लेकिन आज भी हम लोग को 7 से 8 दिन हो गए बैठे बैठे, बच्चे रोड पे उतर आए हैं, तब भी कितना सलूशन मिला. तो आपको लगता है कि एक नॉर्मल आदमी कोई भी होगा, या IPS या IAS, वो जाके अगर सरकार में अपना पॉइंट उठाएगा तो होगा. यहाँ पे 3 जाने के बाद नहीं हुआ, वहाँ तो कोई ट्रेजिडी नहीं हुई, तब भी आपको उम्मीद है कि चीज़ें होंगी. तो सरकार को सबको सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है, जब तक वोट चाहिए तब तक सब चीज़ें सही हैं. जैसा मैम ने कहा G20 समिट, तो तुम एक पार्ट का सौंदर्यीकरण करके दूसरे पार्ट में बच्चों को, तुम्हारे जो पिलर्स कहे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको तुम रोडों में बैठा रहे हो, ये कहीं का लॉजिकल मुझे तो नहीं लगता कि ये कहीं पे अच्छी चीज़ है. उधर सजा रहे हो, यहाँ पे सजाने लायक भी कुछ नहीं है, आदमी चल तक नहीं पा रहा है, उधर तुम बुलेट ट्रेन दौड़ाने की बात कर रहे हो. तो डेट्स नॉट गुड. जानना चाहूँगा कि आप लोग कितने वक्त से अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट पर, आपका प्रोटेस्ट कब से चल रहा है? आज हमारे 6 दिन पूरे हुए. हम लोग जिस दिन इंसिडेंट्स हुए थे उस दिन से धरना पे है, और सब बच्चे हैं इधर, वारन की जितने बच्चे हैं सब मौजूद है इधर. हम एक है, हमारे जो डिमांड है वो भी एक है, और हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे डिमांड्स पूरी ना हो जाए. तो सबसे पहले तो आपकी डिमांड्स क्या क्या है, एक बार आप मुझे और बता सकते हैं? हमारे जो डिमांड है वो बहुत जेन्युइन है, बहुत सिंपल सा है और रिजनेबल भी है. जो हमारे पहले डिमांड था कंपनसेशन वाला, वो 2 करोड़ था हमारे कंपनसेशन जो बात था, 2 करोड़ था. और दूसरी बात तो इधर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर थोड़ा रिफॉर्म का हमने बात किया, जैसे लाइब्रेरीज का, रोड का प्रॉब्लम्स, रेंट का प्रॉब्लम्स और वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम्स, ये हमारे जो डिमांड में इंक्लूडिंग है. अच्छा, तो अभी तक आप लोग लगभग 1 हफ्ता हो गया, तो अभी तक कोई भी जो प्रशासन की तरफ से कोई आपको जो कुछ रिस्पांस मिला है, अगर मिला है तो क्या, किस तरह का? नहीं, हमारे सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई कि हम लोग प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें. सरकार के पास हमने बात रखा, सुना नहीं गया. हम लोग फिर से कोशिश करें कि सरकार के पास हमारे बात रखा जाए. हमारे जितने भी डेलीगेशन होगा वो जाएगा, सरकार के पास अपना बात रखेगा. हमारे बात यही कि जब तक हमारे बात, हमारे डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो जाता, हम लोग प्रोटेस्ट पे है और तब तक रहेंगे जब तक हमारे डिमांड पूरे नहीं हो जाता है. देखिए जैसे कि 7 दिन में बहुत सारे राजनेता और बहुत सारे नेता आए, लेकिन जो हमारी डिमांड्स हैं कि जो कंपनसेशन होना चाहिए, जो भी रिजोल्यूशंस होने चाहिए, जैसे अभी आपको पता होगा कि 3 से 4 दिन पहले की बात है, यहाँ पे फिर से पानी भरा था, ठीक है. तो जब एक इंसिडेंट हो चुका है, हम अपने 7 के लोगों की जान गंवा चुके हैं, उसके बाद भी आपके यहाँ पानी भर रहा है, ठीक है. बच्चे हम लोग ने भगाए हैं यहाँ से कि तुम लोग हटो, क्या पता कोई तार फिर से गिर जाए तो कोई और अनहोनी हो जाए, ठीक है. तो उसमें कुछ भी अभी सीन नहीं हुआ. लेकिन जो हमारे कुछ डेलीगेशन से जो LG के पास गए थे, उसे बहुत सारी चीज़ों में बोला गया है कि हम ये रेगुलेशंस एक्ट बनाएंगे, आपकी रेंटल प्रॉपर्टी और जो भी आपका ब्रोकरेज वगैरह है उसको हम सेटल करेंगे. कंपनसेशन में ये बोला गया है कि वी विल गिव यू अ फेयर कंपनसेशन, बट वी आर नॉट डिमांडिंग अ फेयर कंपनसेशन, वी नीड आर डिमांड टू बी फुलफिल्ड राइट नाउ, ठीक है. देयर लॉयर इज कमिंग, लॉयर आ रहे हैं, वो हमको एक एज अ ट्रीट कर रहे हैं कि हम बार्गेनिंग या सब्जी खरीदने बैठे हुए हैं कि आप 25 अभी दे दो, 25 हम आपको बाद में दे देंगे, और वो भी 25 एज अ कंडीशन कि हमारे जो ओनर हैं वो छूट के आएंगे. 3 लोगों की जान चली गई, तब भी आप में इतनी शर्म नहीं है कि आप यहाँ पे आके
25 लाख छुड़ाने की डिमांड कर रहे हो, ठीक है, हमारी डिमांड 3 CR थी हर एक बच्चे के लिए, वो 3 CR ही रहेगी, और जब तक वो चीज़ें नहीं होती हैं, जितने आप बच्चे देख रहे हैं, कुछ बच्चे अभी घर गए हुए हैं, कुछ की तबीयत ख़राब है, वो फिर शाम को वापस इकट्ठा होंगे, लेकिन ये मुहिम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ रही है। अकेले बैठना पड़ेगा तो मेरा चेहरा देख लो, मैं अकेले बैठूंगा, लेकिन आपको अगर ये लग रहा है बच्चे ऐसे चले जाएंगे तो नहीं जाएंगे जब तक पूरी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती है बस। और सारे जितने भी वो पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स भी हैं हमारे मैम के पास कि जो टोपी पहन के आ रहे हैं और चीज़ें मतलब करना चाह रहे हैं कि पार्टी को, मैम ने सख्त इनकार भी कर दिया है कि आपको आना है तो एज अ ह्यूमन, एज अ स्टूडेंट, एज अ गार्जियन सम इसमें सम्मिलित हुई है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि अब हम टोपी का प्रचार करेंगे तो वो यहाँ पे नहीं होगा। तो एक्चुअली इसी आपने जो कहा कि यहाँ पर क्योंकि अब बच्चों की जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये भी कई लोगों के सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्या है ओल्ड राजेंद्र नगर में कि सब लोग यहीं आकर सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, जबकि अब तो ऐसा कहना है कि ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे तरह के हो गए, इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो ऑफलाइन कोचिंग भी लेते हैं उसके बाद भी उनको ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है, तो ऐसा क्यों नहीं कि जैसे हम अपने शहर में बैठ के में भी कर सकते। आपको एक चीज़ पता होगी, जैसे कि आपको अगर कहीं पर कुछ अच्छा कभी खाने जाना होता होगा तो आप ढूंढते होगे लाइक चटोरी गली टाइप्स की बहुत सारी स्टॉल मिल जाए, वहाँ से हम कुछ चुन लें और वहाँ से बढ़िया खा लें, तो बस यही सीन है बच्चों का। रील्स वगैरह ने इतना इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है सारे बच्चों को, बच्चों को क्यों, मुझे भी भाई, मैं भी अगर आया तो मेरे कुछ रीजंस और भी रहे होंगे एज अ बैक साइड कि मेरी घर में पढ़ाई ना हो पाती, कुछ चीज़ थी कि दोस्ती ज़्यादा होती तो आदमी थोड़ा सा अपने आप को साइड करना चाहता उन सब चीज़ों से कि मुझे वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाएगा, यहाँ मैं अकेले रहूँगा और लाइब्रेरी ज्वाइन करूंगा तो वहाँ पे 10 बच्चे पढ़ते दिखेंगे तो मैं भी पढ़ पाऊंगा कि मैं देखूंगा अरे तुम नहीं पढ़ रहे हो, वो लोग तो पढ़ रहे हैं यार, तुम कहीं पीछे छूट रहे हो, तो वो सब जो चीज़ें होती वो आपको यहीं मिलता है। जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो वहाँ पे इतनी लाइब्रेरीज आपको नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आपको हर एक 10 कदम पे लाइब्रेरी मिलेंगी, तो वही जो चटोरी गली वाला सीन है ना वो यहाँ पे अप्लाइड होता है। यहाँ पे 10 कोचिंग है, ठीक है, अगर बच्चा किस GS कहीं से कर रहा है तो उसके लिए ऑप्शनल के लिए कहीं और है, जैसे पीछे बिल्डिंग बन रही है जो शुभ्रा रंजन की, ये PSIR पढ़ाती हैं, और भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो एक सिंगल सिंगल अपना टॉपिक पढ़ाते हैं, तो बच्चों को डाइवर्सिटी मिल जाती है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह, वहाँ रहेगा अपनी जगह, क्या पता वहाँ पे वो टीचर ना ही सही हो। और लोग ये भी होता है ना कि मैं ऑनलाइन में मुझे इतना समझ नहीं आता है, मैं पूछ नहीं पाऊँगा, तो बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे कम होंगी, लेकिन बच्चों की जो पॉपुलेशन है आने की वो जल्दी कम नहीं होगी। हम लोग कब कब बैठेंगे, फिर कोई इंसिडेंट का इंतज़ार नहीं कर सकते ना, तो बच्चे आगे नहीं आते हैं। अगर जैसे हम सब बैठे हुए आपको लगता है कि हम में से मैं ये या कोई भी या मैम भी अगर जाके किसी से बोलती कि ये काम है हमारी ये दिक्कत है, कोई सुनता? आज भीड़ है इसलिए सुनी जा रही है, तो अगर अभी हमने अपनी चीज़ें मनवा ली तो मनवा ली, वरना आगे हमारी चीज़ें कोई नहीं सुनेगा, फिर इस दलदल में वैसे ही फंसना पड़ेगा जैसे हम सालों से फंसे हुए। ये दिक्कत आज की नहीं, ये दिक्कत 30 से 35 साल से चल रही है बस। तो आपने अभी सुना कि स्टूडेंट्स का इस मसले पर क्या कहना है, यहाँ पर भी 3 बच्चों की मौत हुई, लेकिन बात सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की नहीं, बात है एक ऐसे दंत की जहाँ पर स्टूडेंट्स की लाइफ बिल्कुल भी मैटर नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स ने पीछे बोर्ड भी लगाकर रखी है स्टूडेंट्स लाइव मैटर। इसके अलावा ये भी तय करना ज़रूरी है कि आखिर इसके जवाब दे कौन, लीगली कोई भी जवाब दे, वो एक मोरल अकाउंटेबिलिटी जो भी सत्ता के हिस्सेदार हैं उनकी बनती है, जिस पर उनको जरूर ध्यान देना चाहिए। इस मसले को लेकर आगे और जो भी नए डेवलपमेंट्स होंगे हम आपके बीच आते रहेंगे। सजन के दुनिया कैमरे के पीछे पाकिस्तान, आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड।